फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फैंटम क्रिप्टो के ऊपर। फैंटम क्रिप्टो क्या है और अभी इसका मार्केट स्टेटस क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये फैंटम का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मैं अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सारे डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और मैं आपको बताऊंगा कि करंट मार्केट स्ट्रेटजी इसकी क्या है और इसका इंडियन रुपी और USDT में इसका क्या प्राइस चल रहा है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। आप इसमें कैसे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो मैं आपको इसका छोटा सा चार्ट भी एनालाइज करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। WazirX पे जो INR के हिसाब से इसका रेट चल रहा है वो है 64 रुपीज के आसपास। USDT में अगर हम बात करें तो वो चल रहा है 0.83 के करीब चल रहा है, विच इज टू बी प्रिसाइज 0.83210, और काफी अच्छा इसने मूवमेंट यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट लिया है। सिर्फ एक हफ्ते का अगर देखेंगे हम तो देखिए कहाँ पर ये 28 अगस्त को स्टैंड कर रहा था, एक दिन पहले की बात है, 30 अगस्त को ये इसने कितना बड़ा इसने मूवमेंट यहाँ पे जंप किया है, आप खुद देख रहे हैं। काफी अच्छी इसने यहाँ पे बढ़ोतरी ली है। देयर इज अ अप ट्रेंड व्हिच इज हैपनिंग इन फैंटम क्रिप्टो, तो यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है फैंटम का, ये देखिए यहाँ पे भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, फैंटम इज अ फास्ट एंड स्केलेबल नेक्स्ट जनरेशन लेयर 1 प्लेटफॉर्म। सो इन्होंने अपने बारे में लिखा हुआ है, इनके कुछ जो न्यू इन्फॉर्मेशन है इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। अनाउंसिंग 370 मिलियन FTM इंसेंटिव्स फॉर बिल्डर्स, इफ यू आर अ प्रोटोकॉल टीम वी विल रिवार्ड यू फॉर सस्टेनिंग एंड इंक्रीजिंग योर TP अराउंड फैंटम। तो इन्होंने अपना एक इंसेंटिव प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट किया है, और क्योंकि काफ़ी कम टाइम पे ये फैंटम जो क्रिप्टो करेंसी है काफ़ी अच्छी इसने यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली है क्रिप्टो एक्सचेंज की, जब मैं बात कर रहा हूँ। सो ये साथ ही साथ कह रहे हैं कि FTM विल रेवोल्यूशनाइज डेफी, इट इज़ प्रोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यूज्ड नेटवर्क, ग्रेट प्रोजेक्ट सच एज स्पूकी स्वैप स्पिरिट स्वैप विल शेप द सक्सेस स्टोरी। सो डेली ट्रांजेक्शन की जो बात कर रहे हैं, विच हैज़ बिन इंक्रीज इन लाइक यू नो लास्ट 3 मंथ्स, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऊपर मूवमेंट देखने को मिली है, अपवर्ड मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिली है। यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, लूनर क्रश सोशल लिस्टिंग फॉर क्रिप्टो विद 17 स्ट्रेट आवर्स इन द नंबर 1 ऑल रैंक, FTM इज शोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग कंबाइंड सोशल प्लस मार्केट एक्टिविटी विच इज द प्राइस इज लाइक प्लस 45.8% विच इज गोन टू 0.817140663 चला गया है। दैट मीन 10,000.9 सोशल मेंशंस आ गए हैं, 32.1 मिलियन एंगेजमेंट्स आ गई हैं, इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे बता रहे हैं अपने अपने ये। सो there's a lot of information which they have shared on their Twitter handle. Coin market cap की अगर मैं बात करता हूँ, so इसका जो current price जैसे WazirX पे चल रहा है बिल्कुल लगभग same to same है, which is 0.8396 US dollar में चल रहा है। There's an improvement of like 19.87% पे यहाँ पे improvement आपको देखने को मिलेगा। So now the graph is on uptrend, जो upward movement की हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, which is a good sign. उसका volume जो है वो 110.82% के upward movement यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। Circulating supply जो used विच इज 2.55 बिलियन FTM यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं इसका मार्केट रैंक, तो 2% है, मार्केट डोमिनेंस 0.10% है, वॉल्यूम कैप जो है 0.5665 के करीब आ रहा है, हाई और लो वॉल्यूम जैसे मैंने बताया 24 आवर्स का अगर लो देखते हैं तो देट वॉज 0.6696, और 24 आवर्स का ही अगर हम हाईएस्ट देखते हैं तो विच इज 0.8977 पे गया था। प्राइस चेंज जो हुआ है 19.68% के हिसाब से प्राइस चेंज हुआ है, तो वो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। सो व्हाट इज फैंटम? सो फैंटम इज एन एडवांस्ड ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट दैट हेल्प्स पीपल बिल्ड हाईली कस्टमाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन विच इज डी एप्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स NFT। सो द प्रोजेक्ट एम्स टू सॉल्व सम ऑफ द लीडिंग चैलेंज फेसिंग ओल्डर ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स लाइक बिटकॉइन। दीज चैलेंज आर स्पीड, सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी, यही तीन आस्पेक्ट हैं, यही तीन चैलेंज हैं जिसके बारे में हर न्यू क्रिप्टो जो भी ईजाद होती है इसी पे उनका फोकस रहता है। तो डी एप्स को, नॉन फंजिबल टोकन्स को यहाँ पे ये कर रहे हैं, यानी कि आज के टाइम पे एप्स और NFT ही चल रही है जिसको हर एक एडवांस ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट अपने में इंक्लूड करना चाहता है। फैंटम यूजेस लेशेसिस, सो विच इज द बैकबोन ऑफ द एंटायर नेटवर्क, दिस इज अ BFT कंसेंसस मैकेनिज्म दैट मेक्स ट्रांजेक्शन बिल्ड यूजिंग द नेटवर्क रिलेटिवली फास्ट एंड सिक्योर। सो लेशेसिस पावर द फैंटम मेन नेट डिप्लॉयमेंट विच इज बिल्ट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। सो FTM इज अ नेव टोकन फॉर फैंटम इकोसिस्टम, आप समझिए इस चीज को कि फैंटम का जो टोकन है बोलते हैं वो है FTM। So FTM is the native token for Phantom ecosystem. So it is a token that is used for securing the network, facilitating on-chain governance and paying for network fees. So abhi recent ki main baat kar raha hu, for the past few months, so there is a, you know, the Phantom price has been a strong bullish trend in the past few months.
दिस ग्रोथ इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस यूजर अडॉप्शन ऑफ द नेटवर्क. क्या कह रहे हैं? द कंटिन्यूड यूजर अडॉप्शन ऑफ द नेटवर्क, यानी कि इसके नेटवर्क को काफी यूज किया जा रहा है. इस चीज को समझिए. नाउ कोलैबोरेटेड विद लीडिंग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स लाइक चेनलिंक से जुड़ गया है, रेविटॉन बैंड प्रोटोकॉल से जुड़ चुके हैं. सो एडिशनली द वॉल्यूम ऑफ FTM ट्रेडेड एवरीडे हैज रिजन विद मोर ट्रेडर्स होपिंग दैट इट इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री. इन द पास्ट फ्यू मंथ वी हैव सीन सम अननोन टोकन राइज फ्रॉम obscurity to become some of the biggest in the industry. Some of them are Solana and Internet Computer, ICP. बिल्कुल सही बात बोली है कि कुछ टाइम पे अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे अननोन टोकन हैं जो मार्केट में काफी अपवर्ड मूवमेंट उन्होंने हमें दिया है देखने को, प्रॉफिट वहां से काफी लोगों ने निकाला हुआ है, विच आर द बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री. सो एकदम से ही हाइप लेके काफी बड़ा बन जाना क्रिप्टो में पॉसिबल हो सकता है, होता है. कई बार साल लग जाते हैं, नहीं हो पाता है, कई बार कुछ हफ्तों में दिनों में हो जाता है, विच इज फीजिबल इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, होता है. देखिए जैसे मैंने आपको कहा फैंटम के जो हैं पार्टनर्स हैं चेनलिंक, रेन, बैंड प्रोटोकॉल, ओ द ग्राफ, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ आ रहा है इनमें, वेव्स आ रहा है. सो बहुत सारे इनके कस्टमर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग. उसके चलते इसके प्राइस में इजाफा देखने को आपको मिला है, यहाँ पे प्राइस में काफी चेंजेस देखने को मिले. मैं आपको बता रहा हूँ ये 4 घंटे का मैंने यहाँ पे ग्राफ लिया हुआ है, एंड दिस इज द लाइव चार्ट. जो मैं करता हूँ वो लाइव चार्ट पे ही डिपेंड होता है, तो आपके सामने जो बात रखूंगा क्लियर और क्रिस्टल रखूंगा. सो द मूवमेंट इफ यू सी दिस पर्टिकुलर रीजन, ये देखिए यहाँ से जो ये अपवर्ड मूवमेंट इसने यहाँ लिया हुआ है, ये अपवर्ड मूवमेंट बहुत अच्छा शो कर रहा है कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन पे किसी ने अगर इन्वेस्टमेंट किया था तो उसके लिए आज के टाइम पे आप हिसाब लगाइए कितना वो प्रॉफिटेबल रहा होगा, क्योंकि वो यहाँ पर इतना मूवमेंट लेने पर उसको तो प्रॉफिट यहाँ इजिली मिल गया, क्योंकि यहाँ से देखिए आप स्लोली डाइवर्ट हो रही है अपवर्ड मूवमेंट. सो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनको प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ पे. दूसरी बात कर लेता हूँ मैं कि आपके लिए अभी क्या ज़रूरी है करना, आपको कहाँ अपना मिनिमम टारगेट आपको यहाँ पे सेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ. फ्रेंड ध्यान दीजिए, अभी का जो करंट कंडीशन इसका चल रहा है विच इज़ 0.8443 पे, यहाँ पे ये रन हो रहा है, समवट हेयर यहाँ पे ये रन हो रहा है 8443 पे, ये भी रन 8438438 के करीब यहाँ पे ये चल रहा है. यानी कि यहाँ से इसका अपवर्ड मूवमेंट में जाना बहुत थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर है, एक रेजिस्टेंस को आ रहा है विच इज 0.8705 पे, एक यहाँ पे इसको बैरियर देखने को मिल रहा है. अब इस बैरियर की वजह से यह ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा, लेकिन अगर ये ऊपर क्रॉस करता है तो ये अच्छा खासा यहाँ मूवमेंट लेगा, एंड इट कुड बी अराउंड लाइक 0.9036 और 0.31 के करीब यहाँ पे ये पहुँच जाएगा. बट अगेन क्योंकि यहाँ पे अभी इतना जंप ये ऑलरेडी ले चुका है तो मुझे असिस्टेंट रहेगा, बट अगेन मार्केट है कुछ कह नहीं सकते हैं. बट हाँ आपके लिए यहाँ पे एंट्री पॉइंट भी अभी बनता है, मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए एंट्री पॉइंट. अगर यहाँ से इसको ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाता है तो इसका सपोर्ट लाइन यहाँ पे एक पड़ा हुआ है 0.8284 पे, अगर ये सपोर्ट भी ब्रेक कर देता है तो इसके पास 0.7966 और 0.5 के करीब एक सपोर्ट यहाँ मिलता है. सो आप यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी अपना जो है मनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज़ फिजिबल. लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि यहाँ पे भी आपको नहीं करना है और मार्केट अगर जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बिटकॉइन अभी फ्लक्चुएट बहुत हो रहा है, अगर ये नीचे की ओर आता है तो आपके पास ये 0.6996 पे आप यहाँ पे एक अच्छा आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा एक प्रॉफिट भी बुक करने को मिल जाएगा अगर यहाँ पे ये टच होता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके जहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे मिल रहा है. सो फिर 0.5 से लेके 0.7952 के बीच में आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट होने वाली है, यहीं पे आप इन्वेस्ट करके डेली ट्रेडिंग करके यहाँ भी आप अच्छा खासा यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ. ये देखिए अगर ये पर्टिकुलर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ना होकर रेजिस्टेंस को अच्छा मिलता है और क्रॉस नहीं कर पाता तो इसके एक इसको आप एक लोअर ट्रेंड पे जाएगा ये. सो नाउ जो भी इसका ट्रेंड बन रहा है अगर मेकिंग अ वेव फॉर्म्स, तो ये वेव फॉर्म जो बन रही है अप डाउन कैंडल जो आपको दिख रहे हैं ये इसी का नतीजा है कि यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा. सो आपको बस अगर आपने लोअर टर्म्स पे इसको खरीदा था तो आप प्रॉफिट आज भी ले सकते हैं, और अगर आपने इन्वेस्ट करना है सो आप मैं वही बात कहूँगा प्लीज़ कंसल्ट विद फाइनेंशियल एडवाइजर एंड प्लीज़ डू इन्वेस्ट इन बिट्स बाय बिट्स, तो वहाँ आपको प्रॉफिट ईजिली मिल सकता है. आइए बात कर लेते हैं इसके मैकडी की. फ्रेंड्स मैकडी का ट्रेंड काफी अच्छा दिखा रहा है, इट वेल अबव -0, इट इज नाउ एट 0.0940 पे है और रेड लाइन है 0.0682 पे आ रही है. अगेन अगर ये अपवर्ड मूवमेंट भी लेती है तो एक पर्टिकुलर लेवल पे जाके इसको डाउन ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलेगा अगेन, लेकिन यहाँ पे इसके पास एक सपोर्ट लेवल यहाँ पड़े हुए हैं. सो 0.0364 के करीब आपको यहाँ पे एक अच्छी एंट्री यहाँ मिल जाएगी, जिस एंट्री को आप लेके आगे अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो विच इज क्वाइट ईजी. दूसरा सिनेरियो देख लेते हैं, अगर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट ना होकर अगर ये नीचे को भी ड्रॉप होती है अगेन
अगर ये माइनस जीरो या उसके करीब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में अगर ये टच होती है यहाँ पर भी, सो यू हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एंट्री। आप यहाँ पे एक एंट्री लेके अच्छा खासा प्रॉफिट आप इन फ्यूचर भी बुक कर सकते हो, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो आप यहाँ पे आप मान के चलिए कि वेन एवर इन मैकडी द प्राइस इज अबव माइनस जीरो, दैट मीन्स कि आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। अगर प्राइस माइनस जीरो के नीचे चला जाता है, दैट बिकम्स अ सेलिंग ऑप्शन, तो वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होने वाली है। बट अगेन यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बन रही है आपको, आप यहाँ पे भी अभी अपना एक एंट्री पॉइंट बना के आगे की ओर अपना जा सकते हो, विच इज़ क्वाइट क्लियर। सो मैकडी तो इंडिकेशन कर रहा है कि अच्छा खासा बाइंग अभी होने वाली है, विच इज़ फॉर श्योर। आइए बात कर लेते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में हमें बहुत सारी फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही हैं, और ये जो फ्लक्चुएशन हैं ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रही हैं कि ये इसने काफ़ी अच्छा यहाँ पे लोगों को प्रॉफिट दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट क्लियर। अगर मैं उसी की बात करता हूँ, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छा मूवमेंट यहाँ पे इसने RSI ने यहाँ पे दिखाया हुआ है। नाउ द करंट स्टेट इज लाइक 74.38, विच इज़ वेल अबव 70, यानी कि बाइंग यहाँ पे होनी है, अभी बाइंग होगी। तो आप मान के चलिए कि आपको अभी भी यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सकता है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आप खरीद सकते हो, एंट्री पॉइंट बना सकते हो, क्योंकि उसके बाद भी आपको यहाँ पे 25% का प्रॉफिट इजीली यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर ऐसा ना होता है, नीचे को मूवमेंट करती है, तो अगेन आपके पास यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक एंट्री पॉइंट लेके, फिर आप इन फ्यूचर में अपना प्रॉफिट यहाँ इजीली बुक कर सकते हो। सो RSI ऑलवेज इंडिकेट दैट कि इफ द पैरामीटर्स आर वेल अबव देन 70, इट शोज दैट कि बाइंग वहाँ पे अच्छी खासी होगी, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इफ द पैरामीटर्स आर बिलो 30, दैट मीन्स कि हार्ड सेलिंग वहाँ होने वाली है। सो इस केस में काफ़ी अच्छी सिनारियों पे फैंटम स्टैंड कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो फ्रेंड्स, ये था इसका आज शॉर्ट सा, मैंने आपको एक टेक्निकल एनालिसिस करके बताया, एक छोटा सा मुझे आपको रफ आइडिया देना था। ये देखिए, क्योंकि मार्केट इटसेल्फ इंडिकेटिव द फैक्ट दैट द मार्केट इज गोइंग इन द अपवर्ड मूवमेंट, आपको देखने को मिल रही है क्लियर कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही अच्छा खासा दे रहा है। क्योंकि मैं बार बार वही कहूँगा, जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था या जिन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, इन दो पर्टिकुलर मूवमेंट पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, उनके लिए तो प्रॉफिट अच्छा खासा बन रहा है, वो इजीली प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। अगर उनको लॉन्ग टर्म पे करना है तो लॉन्ग टर्म पे तो फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट उनको मिलने वाला है, ये $1 के आसपास इजीली पहुंचने वाला है बहुत आने वाले जल्दी वाले टाइम पे, ये मैं आपको कह देता हूं। सो फैंटम का काफ़ी अच्छा भी मार्केट कंडीशन है, काफ़ी अच्छा इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसको अच्छे क्लाइंट मिल चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा इसका यहाँ पे रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था फैंटम क्रिप्टो के बारे में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।